बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू विंडो स्टोरीज। आज रमज़ान सीरीज में जो हम पहली किताब पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है द स्टोरी ऑफ टू गार्डन्स। ये दो बागों की कहानी सूरह कहफ में बयान की गई है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव टू फ्रेंड्स। वन ऑफ देम वॉज अ रिच गार्डनर वाइल द अदर वन वॉज अ पुअर फार्मर। द गार्डनर ओन्ड अ ह्यूज प्लॉट ऑफ लैंड। बहुत सालों पहले की बात है कि दो दोस्त एक जगह रहते थे। उनमें से एक जो था वो अमीर था और जो दूसरा था वो उसके पास इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स नहीं थी। जो गार्डनर था रिच वाला, उसके पास एक ह्यूज प्लॉट ऑफ लैंड था, उसके पास थी बहुत सारी ज़मीन। अब उसने उसके साथ क्या किया? ही कल्टिवेटेड हिज लैंड वेरी एबली एंड डिवेलप्ड इट इंटू टू ब्यूटिफुल एंड ब्लूमिंग गार्डन्स। They were full of flowers and all kind of fruits, especially grapes and dates. The vineyards were set about with palm trees and watered by a running stream. उसने अपनी ज़मीन से दो बाग बना लिए थे और उसमें बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए थे, हर किस्म के फ्रूट्स लगे हुए थे, फल लगे हुए थे तरह तरह के, और स्पेशली उसके अंदर खजूरें और अंगूर थे। और पाम ट्रीज लगे हुए थे उसकी बाउंड्री पे, और उनको पानी देने के लिए एक नहर बीच में से बह रही थी, बागों के दरमियान में से नहर बह रही थी। Whenever the gardener would visit his gardens, he would be thrilled by seeing trees laden with ripe fruits. His heart would be filled with pride and arrogance. जब भी जो गार्डनर था वो अपने गार्डन्स में आता था, अपने बागों में आता था, तो वो देखता था कि मेरा बाग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पके हुए फल लगे हुए हैं और हर तरह की नेमतें हैं इसमें, तो उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा गुरूर आ जाता था कि मैंने तो बहुत ही कोई कमाल का काम किया है यहाँ पे। ही वुड थिंक दिस वॉज ऑल अ रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड क्लेवर प्लानिंग। ही वुड इग्नोर द फैक्ट दैट हिज इंटायर फॉर्च्यून वॉज एक्चुअली अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह ताला। विदाउट अल्लाहज हेल्प No one can achieve a single thing on this earth. वो ये बात बिल्कुल ही भूल गया कि अल्लाह ताला ने उसे ब्लेस किया है, अल्लाह ताला ने उसको इतनी नेमतें दी हैं, तो वो इस काबिल हुआ है कि वो ये सब कुछ बना सके। उसे लगा कि उसने बहुत ही क्लेवर प्लानिंग किया है, बहुत ही हार्ड वर्क किया है, तो ये उसका नतीजा है, और उसने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि ये तो अल्लाह ताला की विल की वजह से हुआ है। One day his friend, the poor farmer, visited him. The gardener took him around his beautiful garden and proudly said to him, I'm richer than you and my clan is mightier than yours. Looking at his garden, he continued that surely this will never perish. Puffed up with the evil of the wealth, he went on denying the day of judgment. Nor do I believe that the hour of doom will ever come. एक दिन जब उसके poor friend ने उसको visit किया, वो उसके पास आया garden में, तो वो उसको अपने खूबसूरत से बाग में ले गया और बहुत ही ज़्यादा गुरूर से कहने लगा कि मेरे पास तो तुमसे ज़्यादा नेमतें हैं, मेरे पास तुमसे ज़्यादा पैसा है, मेरे बच्चे भी तुमसे ज़्यादा हैं, माई क्लैन इज़ माइटियर देन योर्स। अल्लाह ताला ने यानी कि उसको बहुत कुछ दिया हुआ था, नवाजा हुआ था, लेकिन वो फिर भी गुरूर कर रहा था जैसे इन सब में उसका कोई कमाल हो। और उसने कहा कि क़यामत भी नहीं आएगी और ये मेरा बाग तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। उसे लगा कि ये इतना ज़बरदस्त उसने कोई बाग बना दिया है कि ये तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला और ना ही क़यामत आने वाली है। देन ही एडेड, इवन इफ़ आई रिटर्न टू माई लॉर्ड, और अगर क़यामत आ भी गई और मैं अल्लाह ताला के पास वापस चला भी गया, आई शेल श्योरली फाइंड अ बेटर प्लेस देन दिस। मुझे तो अल्लाह ताला इससे भी अच्छा कुछ दे देंगे। Little did he realize that all of this was wishful thinking. ये तो सिर्फ उसकी सोच थी। When the poor farmer noticed that his friend was behaving in a wicked way, he tried to correct him. He added, "Have you no faith in him who created you from dust, from a little germ, and fashioned you into a man?" The poor man went on that, "As for myself, Allah is my Lord, and I'll associate no one else with Him." जब पुअर फार्मर ने उसे देखा कि इसका दोस्त तो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, तो उसने सोचा कि मैं अपने दोस्त को ज़रा सही बात बता देता हूँ, उसको मैं उसकी तसहीह कर देता हूँ, उसकी इस्लाह कर देता हूँ। तो उसने उसे कहा कि तुम्हें अल्लाह ताला के ऊपर कोई भी यकीन नहीं है, अल्लाह ताला ने तुम्हें किस तरह से बिल्कुल खाक से तुम्हें इतना बड़ा इंसान बनाया और इतनी नेमतें दी, मैं तो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता।
He advised the gardener that instead of entering the garden proudly, he should have gone into it in all humility and should have said that what Allah has ordained must surely come to pass. There is no strength except in Allah. जो गार्डनर फ्रेंड था उसने एडवाइस किया कि बजाय ये कि तुम बहुत ही ज़्यादा गुरूर के साथ अपने बाग में एंटर होते, तुम्हें कहना चाहिए था कि अल्लाह ताला ने जो भी दिया है अल्लाह ताला उसे वापस भी ले सकता है और अल्लाह ताला के अलावा कोई भी ताकतवर नहीं है. दो यू सी मी पुअर देन योर सेल्फ एंड ब्लेस्ड विद फ्यूअर चिल्ड्रन, द फार्मर आर्ग्यूड, येट माई लॉर्ड मे गिव मी अ गार्डन बेटर देन योर्स एंड सेंड डाउन थंडरबोल्ट्स फ्रॉम हेवन अपॉन योर विनयार्ड्स, turning them into a barren waste or drain their water deep down into the earth so that you'll get no benefit from it. Uske dost ne aur kaha ki jaise ki tum jante ho ki main tumhare se poor hu, main tumhare se gareeb tar hu aur mere paas bacche bhi kam hain, lekin ye is baat ki koi guarantee nahi hai ki main Allah Taala ke paas bhi jab jaunga to mujhe wahan bhi kam nematein milengi. Aisa bhi ho sakta hai ki main Allah Taala ke paas tumse bhi zyada nematein paun qiyamah ke baad, और ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह ताला आसमान से बिजलियां गिराए और तुम्हारा बाग बर्बाद हो जाए. और ये जो पानी की नदियां इसमें बह रही हैं, अल्लाह ताला इनको भी खुश्क कर सकते हैं इस तरह के इनका पानी ज़मीन के अंदर तक जज्ब हो जाएगा और तुम इनसे कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं कर सकोगे. द वेरी नेक्स्ट डे वॉज स्ट्रक बाई क्लैमिटी. ऑल द फ्रूट्स वर डिस्ट्रॉयड एंड द गार्डनर रंग हिज हैंड्स विद ग्रीफ एट ऑल दैट ही हैड स्पेंड ऑन देम. For the vines had tumbled upon their trellises. अगले ही दिन उसके ऊपर अजाब आ गया, तमाम फल बर्बाद हो गए और जो गार्डनर था प्राउड इंसान वो अपना हाथ मलता रह गया कि ये इस बाग पे तो मैंने बहुत खर्च किया था और इस पे मैंने बहुत ही मेहनत की थी और अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, सारी अंगूर की बेलें और सब कुछ उल्टा पड़ गया. On seeing this, he realized his mistake and cried. ये देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की थी. Would that I had served no other gods besides my Lord. अब उसको लगा कि काश मैं ऐसा ना कहता, काश मैं अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराता, अपनी पावर को भी नहीं. This story is meant to teach the believers never to speak proudly, but to say in all humility, whatever Allah has ordained must surely come to pass. There is no power save with Allah. इस स्टोरी से हमें ये पता चल रहा है कि कुछ भी हो जाए बिलीवर्स को, जो लोग अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, जो लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको गुरूर के साथ बात नहीं करनी चाहिए. हम कुछ भी कर लें लाइफ में, हम कुछ भी बन जाएं, हम इंसान ही रहेंगे और हम अल्लाह ताला की नेमतों के मोहताज रहेंगे. हमें हमेशा अल्लाह ताला की ज़रूरत होगी, हम बिल्कुल अल्लाह ताला पे डिपेंड करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आज अगर हमारे पास बहुत कुछ है तो ये हमेशा रहने वाला है और क़यामत के बाद वाली ज़िंदगी भी हमारी इतनी ब्लेस्ड होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है. हमें रोज़ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और रोज़ आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमेशा अपनी रहमतें हम पर रखे. द एंड. आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी लगी है. अगर आप इस बारे में और भी जानना चाहते हैं तो सूरह कहफ की तफसीर आप पढ़ सकते हैं अगर आप इतने बड़े हैं. अगर नहीं तो आप अपने मामा बाबा से इसके बारे में बात कर सकते हैं. थैंक यू फॉर योर टाइम. अल्लाह हाफ़िज़.